देखिए बैठक में माननीय राम कुमार वर्मा जी के निधन पर हमने शोक प्रस्ताव रखा। कई माननीय विधायकों के जो परिवार के लोगों के जो दिवंगत हुए थे उनके संबंध में भी शोक प्रस्ताव आया, और विशेष रूप से हमने तो स्वच्छता की चर्चा करी कि वार्ड 4 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है उसमें सभी माननीय विधायकों को माननीय मंत्री को विशेष रुचि लेना चाहिए और अपने अपने वार्ड को अपने अपने क्षेत्र को विशेष रूप से सम्मानित कराने की दिशा में आगे बढ़े। कल के सत्र को लेकर बैठक कल के सत्र में कल तो जो हमारे माननीय राम कुमार वर्मा जी का निधन हुआ था उनका शोक प्रस्ताव होगा और उसके बाद माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी शोक प्रस्ताव होगा। सर वो कितना बड़ा होगा? कई बार सारे विधायकों के साथ बैठे थे, क्या कुछ विधायकों ने शिकायत की? कई बार बैठे बराबर बैठते हैं, रोज मिलते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार बैठे थे, क्या कुछ विधायकों ने शिकायत की? कोई शिकायत नहीं भैया, अपने जो है लगातार परेशान सब बहुत गदगद हैं, बहुत खुश हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो जब जब कभी कोई परेशानी में हुआ तो उसका साथ कंधे से कंधा मिला के जो हमने चुनाव में वादा किया था उसके हिसाब से दिया जा रहा और हर प्रकार से खजाना खुला हुआ है इस बात के लिए कि किसी भी तरीके से कोई दुख ग्रस्त हो, कोई गमजदा हो, कोई परेशान हाल हो तो उसकी मदद करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप यूपी बीजेपी का जो विधानमंडल दल की बैठक थी उससे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकले हैं और ये बैठक समाप्त हो गई है। खन्ना जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि बैठक में सभी विधायक शामिल हुए, मंत्री शामिल हुए और सब कुछ ठीक ठाक है। और यहाँ पर अभी जो विधायक थे इनके राम कुमार वर्मा जिनका निधन हो गया था उनको उनके प्रति शोक व्यक्त किया गया, संवेदना व्यक्त की गई और अब कल से जो सत्र शुरू होने वाला है उसकी तैयारी हुई है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।